आईपीएल के रण में हर दिन एक के बाद एक शानदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज पंजाब किंग्स ने ये बता दिया कि किस तरीके से T20 इंटरनेशनल्स में या फिर किसी T20 में रन चेज नहीं करना है। जी हाँ, 100 रन के स्कोर पर एक भी विकेट बिना गवाए पंजाब किंग्स ने शुरुआत रन चेज की शानदार की थी, लेकिन उसके बाद उनकी गाड़ी पटरी से उतरती गई और अंत में पंजाब किंग्स को एक और करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। बात कर रहा हूं मैं लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच हुई भिड़ंत की। आईपीएल के इस भिड़ंत में उम्मीद हर कोई कर रहा था कि पंजाब वापसी कर पाएगी, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के इरादे आज कुछ और ही थे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहली बल्लेबाजी की और इसके बाद अगर बात करें तो अपनी रणनीतियों में आज बहुत ज्यादा फेरबदल किया उन्होंने। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवर में 199 रन बनाए, यानी कि पंजाब किंग्स को 200 रनों का लक्ष्य दिया। जी हाँ, 200 रनों का टारगेट पंजाब किंग्स को मिला, जिसके जवाब में पंजाब किंग्स ने शुरुआत शानदार की। इसके अलावा अगर बात करें तो पंजाब किंग्स का पहला विकेट 102 रन के स्कोर पर गिरा, जब जॉनी बेस्टो 29 गेंद खेलने के बाद 42 रन पर पवेलियन लौटे। इसके बाद अगर बात की जाए तो इसके बाद पंजाब किंग्स के विकेट लगातार एक के बाद एक गिरते रहे। प्रभसिमरन सिंह उस वक्त आउट हुए जब टीम का स्कोर 128 रन था। इसके बाद जितेश शर्मा 139 के स्कोर पर, जब टीम का स्कोर 139 था तब पवेलियन लौटे। इसके बाद शिखर धवन 141 और फिर सैम करन भी 141 रन में चले गए। इस मुकाबले में सबसे बड़ी सीख ये मिली कि जब कोई टीम 200 रन चेज कर रही है T20 मुकाबले में, तो कोई बल्लेबाज चाहे वो कोई भी हो, वो 50 गेंदों पर 70 रन नहीं बना सकता। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन ने शानदार आगाज की अपनी पारी की, लेकिन इसके बाद उनकी पारी धीमी होती चली गई। शिखर धवन ने 50 गेंदों का सामना किया और इसमें वो सिर्फ और सिर्फ 70 रन ही बनाए। आप कह सकते हैं कि उनके स्कोर की वजह से ही पंजाब किंग्स इतने ज्यादा करीब पहुंची एलएसजी के टारगेट के, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि अगर शिखर धवन इतनी गेंदें नहीं खेले होते तो हो सकता है कि सैम करन या लियाम लिविंगस्टोन या फिर जितेश शर्मा कोई भी इस पारी को आगे तेजी से बढ़ा सकता था और इस टीम को जीत दिला सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक और खिलाड़ी जिसकी तारीफ करनी आज बनती है, जिसका नाम आप अब लगातार सुनेंगे, और उनका नाम है मयंक यादव। मयंक यादव की बात करें तो मयंक यादव दिल्ली के डोमेस्टिक क्रिकेटर और उन्होंने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की। 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए और पंजाब किंग्स को पूरी तरीके से डीरेल कर दिया। मयंक यादव ने सबसे पहले बेस्टो को पवेलियन भेजा, इसके बाद प्रभसिमरन को आउट किया और उसके बाद जितेश शर्मा का भी विकेट लिया। ये डेब्यू मुकाबला था मयंक यादव का और इस मुकाबले में ही मयंक यादव ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए। अगर बात की जाए तो यहां पर मयंक यादव ने जो है वो 147, 155, 156 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से भी गेंदबाजी की और हर किसी की निगाहें इस मुकाबले के बाद मयंक यादव पर है। अब देखना दिलचस्प है कि लखनऊ सुपर जायंट्स इस जीत के बाद इस लीग में आगे कितने और मुकाबले जीत पाती है। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के लिए परेशानी की बात यह है कि पंजाब किंग्स का ये लगातार दूसरा जो है वो मुकाबला था जिसमें उन्हें हार मिली है। लगातार दूसरी हार का मतलब यही है कि इसके बाद पंजाब किंग्स की आगे की राह और मुश्किल होने वाली है। पॉइंट्स टेबल पर अगर आईपीएल की नज़र दौड़ाएं तो ये पॉइंट्स टेबल भी आपको एक बार दिखा देते हैं। पॉइंट्स टेबल के हिसाब से सीएसके नंबर 1 4 पॉइंट्स के साथ, केकेआर नंबर 2 4 पॉइंट्स, आरआर नंबर 3 4 पॉइंट्स। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एसआरएच जो है वो चौथे नंबर पर ही रहेगी 2 पॉइंट के साथ। पीबीकेएस की ये तीसरे मुकाबले में दूसरी हार हो जाएगी, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स जो है जो आखिरी पोजीशन पर थी इस मुकाबले से पहले, वो भी अब ऊपर चढ़ जाएगी। पॉइंट्स टेबल में काफ़ी इजाफा होगा। 10वें नंबर पर थे, इससे पहले सिर्फ एक मुकाबला खेला था, एक हार मिली थी, अब 2 मुकाबलों में लखनऊ सुपर जायंट्स के भी 2 पॉइंट हो गए हैं। अब देखना ये दिलचस्प है इसके अलावा कि क्या केएल राहुल जो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं
वो और कितने मुकाबलों में ऐसे इंपैक्ट प्लेयर की तरह खेलते हैं और फील्डिंग के वक्त नहीं उतरते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहरहाल पंजाब किंग्स से इंडियन टीम को भी सीख लेनी चाहिए, और जिस तरीके से आज शिखर धवन ने पारी को आगे बढ़ाई, कल इसी ढंग से विराट कोहली ने भी अपनी पारी को आगे बढ़ाई थी, वहां पर भी आरसीबी को कल हार मिली और आज पंजाब किंग्स को हार मिली। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।